हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, सोचा चलिए आज आप लोग साथ थोड़ी सी बातें की जाए, थोड़ा सा अपना कहा जाए और सुना जाए। तो आजकल तो काफ़ी परेशानियाँ शुरू हो गई हैं, हर तीसरे घर में कोई ना कोई बीमार है और इतना ज़्यादा फैल चुका है कोरोना कि ऐसा लगता है जैसे बस ज़रा सा सर्दी जुकाम हुई, खांसी आई तो बस लगता है अरे मुझे कहीं कोरोना तो नहीं, मैं कहीं पॉजिटिव तो नहीं। तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई हैं। आप लोगों के यहाँ क्या हाल है? हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि हॉस्पिटल बिल्कुल भरे पड़े हैं और लोग सच बताएं तो हॉस्पिटल में जाने से भी डर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम हॉस्पिटल जाएं। ऐसा लगता है हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब है, ना तो ऑक्सीजन मिल रहा है ना मेडिसिन तो कोई देता ही नहीं है। बिल्कुल ये सोच लीजिए कि मेडिसिन मिल ही नहीं रही है किसी को, बस क्वारंटाइन कर दिया है और आप पड़े रहिए भगवान भरोसे। ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं ठीक हुई तो कोई बात नहीं। तो ये हाल चल रहा है हमारे यहाँ हॉस्पिटल का। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या चल रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज मैं एक रेमेडी लेकर के आई हूँ, एक मेडिसिन ही सोच लीजिए है जो होममेड है, जो पुराने ज़माने में हमारे घरों में लोग इस्तेमाल करते थे जब कफ जमा हो जाता था, बहुत ज़्यादा बलगम आता था और जकड़ जाता था या कहें कि निमोनिया हो जाती थी तो हम लोग उसे यूज़ करते थे। तो आज मैं वही रेमेडी आपको लेकर के आ रही हूँ और हो सकता है आप लोग भी उससे लाभ उठाएं। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कितना फ़ायदा करता है, इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना इफेक्टिव होता है कि चाहे वो 2 दिन का बच्चा हो चाहे वो 100 साल का बूढ़ा हो, वो सभी पे एक जैसा असर करता है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों साथ आज ये चीज़ शेयर करते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर जिनके ये प्रॉब्लम हो रही है, कोविड पॉजिटिव भी आ रहे हैं, वो लोग भी इसे यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे बहुत बुज़ुर्ग हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं और उससे लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि वो उसमें कितना भी कफ जमा हो, कितना भी वलगम जमा हो, वो पिघला देता है और निकाल देता है। तो हमने सोचा चलिए ये हम भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, और आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि आजकल क्या है कि हम अकेले रहते हैं, हमारी फैमिली में लोग सब अलग अलग रहते हैं तो ये किसी को ये जानकारी नहीं होती, और ख़ासकर शहरों में तो बस हम सिर्फ मेडिसिन के सहारे ही रहते हैं कि हाँ ये सर्दी हुई मेडिसिन ले लीजिए, ये हुआ मेडिसिन ले लीजिए। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें घर में जो हमारे होती हैं वो बहुत असरदार कर होती हैं और बहुत असर भी करती हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, आप भी इसको बनाइएगा। अगर खांसी आ रही हो, जकड़न है आप सीने में और पसली में, गले में उसको लगाइए और देखिए मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी सांस अच्छी चलने लगेगी, आपका गला एकदम खुल जाएगा और काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचेगा। मैं इस रेमेडी को बनाने के लिए ले रही हूँ देसी घी। देसी घी अगर आपके पास गाय का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही नॉर्मल घी से भी ये बना सकते हैं। तो लेना है 1 चम्मच घी को, थोड़ा सा जमा हुआ रखिए, आजकल घी पिघल जाता है, तो अगर आपके यहाँ भी घर घी पिघला हुआ है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो थोड़ा सा जम जाए। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है और अब मैं इसमें मिलाऊंगी सेंधा नमक। सेंधा नमक या फलाहारी नमक भी कह सकते हैं। सेंधा नमक जो होता है बहुत फ़ायदा करता है, ये आपका जो बलगम होता है उसको पिघला देता है और ये पिघला करके इसको नाक के द्वारा खांसी में बलगम बाहर निकाल देता है, तो ये बहुत अच्छा होता है इसलिए इसको मिलाया था। तो हमने इसको पीस लिया है, 1/2 चम्मच ले लिया है नमक को, एकदम महीन पीसिए, अगर आप दरदरा पीसेंगे तो उससे रैशेज भी आने का डर रहता है इसलिए इसको महीन पीसना है। अब हमें इसको अच्छे से फेंटते हुए मिलाना है ताकि घी और नमक एक में मिल जाएगा
और ये थोड़ा सा एक पफी जैसा बन जाता है, थोड़ा सा एक पेस्ट जैसा बन जाता है। ये देखिए आप, घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इन छोटी चीज़ों से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं। अब हमें लेना है हाथ से और इस तरीके से छाती पे इसको लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि बहुत ज़्यादा रगड़ नहीं करनी है, आराम से प्यार से सहलाते हुए इसको लगाना है। आप इसको छाती पे लगा दीजिए, आप इसको पसलियों पे लगाइए, गले पे लगाइए और पीछे पीठ पे लगा दीजिए, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है यही जगह से कम होता है और जो जकड़न होती है इसी जगह पे जकड़न होती है और बलगम भी हमारा यहीं पर जमा होता है। तो हमें इस तरीके से आराम से सारी जगह पर लगा देना है, रगड़ते हुए हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल ये सोच लीजिए एकदम प्यार से सहलाते हुए लगाना है। और उसके बाद में हमें लेना है अजवाइन। अजवाइन बहुत फ़ायदा करती है और ये है देसी कपूर। देसी कपूर जो हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, ये कपूर जो होता है एकदम शुद्ध माना जाता है और ये पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाता है। ये पैकेट में नहीं होता है, ये खुला होता है, तो हमें इसको लेना है। और हमें लेना है एक सूती रुमाल। ध्यान रखिए रुमाल नया नहीं होना चाहिए, एकदम साफ़ धुला हुआ बढ़िया सा होना चाहिए। अब हम कपूर को क्या करेंगे, कपूर को हम मैश करके इस तरीके से अजवाइन में मिला लेंगे और अब हम बनाएंगे इसमें रुमाल पे रख के इसकी एक छोटी सी पोटली। ये पोटली नहीं है, ये जादू की छड़ी है। कितना भी बलगम जमा होगा ये आपका बलगम निकाल कर साफ कर देगा। आपके जो सांस लेने में आपको परेशानी हो रही होगी, जो इन्फेक्शन होगा उसको दूर करेगा और आपको ऑक्सीजन लेवल जो है आपका जो कम हो रहा है वो सही हो जाएगा, आपको सांस लेने में आराम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस पोटली को बना लेना है। अब हमें क्या करना है, एक भारी तले का पैन लेना है या तवा लेना है और उसको गर्म करना है। सिर्फ इतना गर्म करना है कि हमारा हाथ अच्छे से उस पर सहन हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। और इस तरीके से हमको पोटली को इस तरीके से सिकाई करनी है, छाती की, पसली की, पीठ में, गले में। अगर आपको लग रहा है कि आपकी नाक बंद है तो आप नाक पर भी इसको लगा दीजिए और इसी तरीके से सिकाई करिए। लगभग आप 5 मिनट इस तरीके से सिकाई करिए, तुरंत महसूस होगा कि आपको बहुत राहत मिल रही है, आपको सांस लेने में एकदम तकलीफ नहीं हो रही है, आपको कोई दर्द नहीं है और आपकी सांस पूरे अच्छे से फेफड़े में जा रही है और आपका गला जो एकदम खुल चुका है, आपकी नाक खुल चुकी है और आपको तुरंत का तुरंत एकदम राहत मिलेगी। तो आप इस तरीके से, और इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं और आप इसको बच्चे को भी लगा सकते हैं, भले एक दिन का बच्चा हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरीके से इसको यूज़ करिए और ये जादू की छड़ी जो आपको देगी राहत, आप कहीं भी इसको इस तरीके से रखिए और लेकर चले जाइए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप यूज़ कर लीजिए। घी आप कहीं भी छोटे से डिब्बे में रख लीजिए और यूज़ करिए।